हाय गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नया ट्यूटोरियल जिसका नाम है टाइडीवर्स ट्यूटोरियल। तो टाइडीवर्स बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है जिसकी सहायता से आप डाटा साइंस बहुत आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइडीवर्स होता क्या है। टाइडीवर्स एक कलेक्शन है बहुत अच्छे पैकेजेस का, डाटा साइंस पैकेजेस का, जिसकी मदद से आपकी जो डाटा साइंस जो करने का जो प्रोसेस हो फास्ट हो जाएगा और बहुत इजी लगेगा आपको। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डाटा साइंस प्रोसेस में होता क्या है। सबसे पहले हम डाटा सेट को इंपोर्ट करते हैं, फिर क्लीन वगैरह करते हैं, मिसिंग वैल्यू टाइडी का मतलब हो गया एक ऐसा क्लीन और ऐसा एक डिज़ायरेबल डाटा सेट जिसके ऊपर आप एल्गोरिथम चलाना चाहते हो। उसके बाद आप ट्रांसफॉर्म करते हो, ठीक है, और उसके बाद विजुअलाइज करके देखते हो डाटा को समझने के लिए, उसके बाद आप मॉडल बनाते हो, फिर ये लूप वगैरह चलता रहता है, फिर आप अच्छा मॉडल पाने के बाद आप प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर देते हो डाटा साइंस मॉडल को। तो हर एक स्टेप के लिए आर में लाइब्रेरी है, जैसे कि इम्पोर्ट करने के लिए एक पैकेज है रीड आर, और टाइडी करने के लिए एक पैकेज का नाम है टाइडी आर, और ट्रांसफॉर्म करने के लिए पैकेज है डिप्लायर, और विजुअलाइज करने के लिए ggplot2 अवेलेबल है, और ये बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है, और मॉडल बनाने के लिए भी है। और टाइडी मॉडल में बहुत सारे मॉडलिंग लाइब्रेरी को कंबाइन करके अच्छा मॉडल तैयार किया जाता है, जिसमें केरस केरट जो भी है उस केस, और इसका जो सिंटैक्स होता है पूरा यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, कोई अंतर नहीं होता है। अगर आप ट्यूटोरियल वगैरह पढ़ेंगे टाइडीवर्स के ऊपर, तो आप इसका जो सिंटैक्स है बिल्कुल ही टोटली अलग है। अगर आपने पहले आर किया होगा तो आप नॉर्मली फंक्शंस को कॉल करते हो, लूप वगैरह बनाते हो, पर टाइडीवर्स कम्युनिटी ने एक अलग से ही अपना एक सिंटैक्स तैयार कर रखा है, और मैं इस वीडियो में वही सिंटैक्स का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ कि कैसा क्या होता है जब आप टाइडीवर्स ट्यूटोरियल को वेबसाइट में रीड करते हो। ये मैंने एक वेबसाइट खोल लिया है rviews.rstudio.com। अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपको एक इस तरीके का सिंबल दिखेगा, परसेंटेज ग्रेटर देन परसेंटेज, और जब मैं पढ़ रहा था शुरू में तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। और इस वीडियो में मैं खाली आपको ये बताऊंगा कि ये सिंबल क्या है, किस लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हो इस सिंबल का, ताकि आप मेरे बाकी के जो आने वाले ट्यूटोरियल्स हैं वो भी समझ पाए। इसलिए मैं आपको पहली ये जो सिंबल है परसेंटेज ग्रेटर देन सिंबल, इसको आप पाइप ऑपरेटर भी कहते हो। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक सिनेरियो बताता हूँ। तो ये एक बॉय है रवि नाम का, और ये घर पे जो गमला होता है उस पर पौधे वगैरह लगाता है, फार्मिंग करता है, ठीक है। तो इसको पानी देना है नल से, और इसका नल क्या है, ख़राब हो गया है, ठीक है। तो बाहर अपने घर से बाहर निकल के कहीं और जाता है और नलका में पाइप लगा देता है, और उसके बाद अपना जो नल है उसको ऑन कर देता है, और पानी फ्लो होके पौधे की ओर तरफ जाता है। तो इसी तरीके से डाटा साइंस में क्या होता है, डाटा होता है और डिफरेंट फंक्शंस के अंदर फ्लो होके जाता है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये एक तीन फंक्शन है, ठीक है, और जिसके अंदर से डाटा फ्लो होके जाएगा। तो ये डाटा है हमारा 5, तो ये जाएगा पहले फर्स्ट फंक्शंस की तरफ जिसका नाम है ऐड, और ये चला जाएगा फर्स्ट आर्गुमेंट में, ठीक है, और 5 प्लस में 15, ये हो गया आपका 20। उसके बाद वो दूसरे फंक्शंस की तरफ जाएगा जो कर रहा है सब्ट्रैक्ट, तो 20 माइनस 10 10 आ गया।
उसके बाद फिर तीसरे फंक्शंस की तरफ जाएगा और वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 10 to 20 आ गया आपका, ठीक है। तो ये जब भी आप इस पाइप ऑपरेटर का यूज़ करें तो इसी तरीके से अपने माइंड में विजुअलाइज करके समझना है सिंटैक्स को, ओके। तो ये आर स्टूडियो है, सबसे पहले आप पैकेज को इंस्टॉल करो, उसके बाद लाइब्रेरी कमांड को चलाओ ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद मैं कुछ फंक्शंस बना रहा हूँ, जैसे मैंने ऐड नाम का फंक्शन बना दिया, सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन बना दिया और 2 से मल्टीप्लाई करे वो कर दिया। तो ये जो चीज़ मैंने लिखा है, मैंने पाइप ऑपरेटर का यूज़ करके ये तीन फंक्शन में गुजार रहा हूँ अपने डाटा को, ठीक है। डाटा है 5, तो अगर मैं इसको रन करूं, अब मैं जिस तरीके से मैं जो नल होता है ऑन करता हूं वैसे ही मैं यहां पे रन कर रहा हूं। अगर मैं रन करूंगा तो आपको 20 मिल जाएगा। 20 कैसे आया ये मैंने आपको डायग्राम में बता दिया था। आप वेरिएबल में भी डाटा को रख सकते हो और वैसे ही कॉल कर सकते हो। मैं रन करके दिखा देता हूँ, 20 आ गया। आप अदर डाटा स्ट्रक्चर का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे वेक्टर का यूज़ किया है और ठीक है। तो मैंने मीन फंक्शन निकाला है, ठीक है, मैंने मीन निकाल दिया है और 1 2 को प्लस करके 3 3 6, फिर 3 से डिवाइड कर दिया है तो 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है 15 15, और 2 को प्लस करेंगे तो 17 आ गया, ठीक है। तो आप इसको, इस डाटा को वेरिएबल में भी रख सकते हो, फिर जैसे मैंने सिंटैक्स लिखा है आप वैसे ही लिख सकते हो। तो आप डायरेक्टली डाटा सेट को अपलोड करके डायरेक्टली समरी फंक्शन चला सकते हो, मैं करके दिखा देता हूँ। जैसी जैसी ये मैं इस फिलहाल जो टाइडीवर्स डायरेक्टरी है, फोल्डर में मेरा आर जो इंटरप्रेटर है पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं एक कमा मैं दिखा देता हूँ आपको, तो ये जो टाइडीवर्स फोल्डर है, ठीक है, ये फोल्डर है, इसके अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है टाइटैनिक का डाटा सेट। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली रीड करता हूँ, ठीक है। रीड करने के लिए मैं रीड अंडरस्कोर CSV कमांड लिखता हूँ और डाटा सेट आर इंटरप्रेटर के अंदर आ जाता है। उसके बाद मैं समरी फंक्शन उसके ऊपर चला देता हूँ, ठीक है। अगर आप इसी डाटा सेट को किसी वेरिएबल में रख सकते हो, जैसे मैंने डाटा में डाटा नाम का वेरिएबल में, उसके बाद मैं समरी फंक्शन चला सकता हूँ। अगर आप पाइप ऑपरेटर का यूज़ करना चाहते हो तो जैसे वैसे ही लिखना पड़ेगा, डाटा फिर वही पाइप ऑपरेटर फिर समरी फंक्शन। जब आप इसको रन करोगे तो आप देख सकते हो कि समरी फंक्शन चल जाएगा, ये रहा, सब कुछ बता देगा, मीन मीडियन मोड जो भी है। तो थैंक यू।